हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बात की है, जिन्होंने अयोध्या में भव्य दिवाली कार्यक्रम की अहम जानकारी दी। और देखिए दिनेश शर्मा जी आ चुके हैं, फ्लैग ऑफ उन्होंने कर दिया है, एक शुभ शुरुआत हो गई है। दिनेश जी मैं कह सकता हूं कि ये पूरा प्रदेश का जो वातावरण है, पूरा देश का जो वातावरण है, आज दीपोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से अपनी अनूठी छटा बिखेर रहा है। और आप देखें यहाँ का कणकण राम का राममय बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। चार सालों की जो हमारे कार्यक्रमों की छटा थी कि कृष्ण जन्मभूमि पर हमारा हमारा वृंदावन में होलिकोत्सव, हमारा श्रावण में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हमारा भगवान शंकर का जो धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से है उत्सव, और आज ये रामोत्सव जो हमारा यहाँ पर मन रहा है, निश्चित रूप में भारत की जो सत्य परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति की जो मर्यादाएं हैं, वो पुनर्जीवित हुई हैं। और मैं कहना चाहूँगा ये शक्ति का जो पता है वो कुछ छदम वैसी जो मौसमी राम भक्त हैं, वो मौसमी राम भक्तों तक भी ये संदेश पहुंचा है। वो तो सब अयोध्या का दौरा कर रहे थे। जो कहते थे लोग कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना दो, चिकित्सालय बना दो, कंडहर को बना दो, मस्जिद बना दो, हालांकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों की बराबरी का दर्जा हमारी सरकार ने दिया है, अब्दुल कलाम हमारे आदर्श हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ छदम भेसी लोग हैं वो चुनाव की परिकल्पना वैतरणी को पार करने के दृष्टि अब दिखाई पड़ने लगे हैं। अब वो दाएं और बाएं हाथ से घंटा बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जनता ने संदेश दिया है कि जो लोग कहते थे कि पतंगा पर नहीं मारेगा, जो कहते थे राम सेतु बंधु रामेश्वरम और राम जी यहाँ पर हैं।